बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखाते हैं। भारत मिशन विंडीज पर रवाना हो रहा है, विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको लिए चलते हैं। You can say let's forget about both the formats and just make the sport exciting and for people to watch and entertain. But I think for the pure joy of playing cricket and executing your skills as cricketers, Test cricket is the most important format. And for me, nothing comes above Test cricket. So a World Cup campaign, you would still be feeling, you know, jaded and. छोड़ तो दिया. क्या हुआ? There was not much to look forward to immediately, but. क्रिकेट मूविंग सो रैपिडली, आई थिंक इट प्रेजेंट्स यू विद अपॉर्चुनिटीज डे इन डे आउट। अरे ब्रेकिंग, look, we even in South Africa we played Rohit because of the way he was batting against Sri Lanka and in the ODI format, of course, so that was the reason why, you know, we chose him over Jinx. But look, Jinx has been a solid player for us through and through, and that's always been our communication. He's one of the most sorted guys, you know, really really composed, really reads the game well also. You know, priceless fielder. We've all seen the impact he can make in Test cricket with his slip catching and everything. And I think under pressure, he's performed really well. I mean, the guy averages 43 in Test cricket. You know, it's not like he's in the early 30s. So, I don't think we should jump the gun on someone like Jinx, because he's done the job for you under pressure, and it's a patch which anyone can go through. But I think he will come around because he's that good a player, and when he does, we know he can be very consistent and, you know, one of the pillars of our batting lineup that we can bank on. Him and Pujara both, as I've said, have been our most solid test. Players, and I'm sure along with that matters. Captain, आपने एक लंबा दौर अभी क्रिकेट का खेल कर आए हैं और अभी तकरीबन 2 महीने का और क्रिकेट आपको खेलना है, पूरी टीम को साथ में रहना है। पिछले कुछ दिनों से हमने मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं टीम मेंबर्स को लेकर, जिस तरह की चीजें होती हैं आपके और रोहित को लेकर कई सारी बातें लिखी जा रही हैं, अलग अलग मीडिया में अलग अलग बातें कही। आप इन बातों को यहां पर साफ करना चाहेंगे कि जो चीजें कही गई और जिस तरीके से कही गई उनके मायने क्या हैं, और क्या ये चीजें एज अ टीम कैप्टन और बाकी टीम मेंबर्स के लिए इफेक्ट करती हैं साइकोलॉजिकली और दूसरे तरीके से? देखिए, अगर मैंने भी बहुत कुछ सुना है पिछले कुछ दिनों में, तो सुनने में तो बाहर से ही मिलता है। तो अगर टीम का माहौल अच्छा नहीं होता तो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर और एक जो ट्रस्ट फैक्टर और एक जो माहौल है, वो कितना ज़रूरी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सीड करने के लिए। तो अगर वो नहीं होती चीज़, तो मुझे नहीं लगता आज हम इस पोजिशन पर होते वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो हमारी जर्नी रही है नंबर 7 से, नंबर 1 तक और ओडीआई क्रिकेट में इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, T20 में भी हम स्ट्रांग रहे हैं, इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम। एंड यू कैन नॉट हैव द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इफ व्हाटएवर, इट इज नॉट पॉसिबल, यू नो। सो व्हेन यू प्ले ऑन द क्रिकेट फील्ड इन दैट। तो इस वक्त हम आपको बता रहे थे कि वेस्टइंडीज दौरे के लिए विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनसे जब पूछा गया कि रोहित शर्मा को लेकर उनके जो विवाद हैं, जो खबरें आ रही हैं, तो विराट कोहली ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, खबरें ऐसी चलती रहती है, लेकिन वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है।